नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने के लिए आ चुकी हूँ। आज मैं बनाऊंगी पनीर पराठा। तो चलिए देखते हैं कि मैं पनीर पराठा कैसे बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर पनीर को मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा मैश करना है। उसमें मैंने चॉप्ड ऑनियन ऐड किया है और कुछ धनिया पत्ती। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी नमक ऐड किया है। नमक आप थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि हमें आटा गूंदने के लिए वहाँ पर भी नमक का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने अचार का तेल और अचार का मसाला ऐड किया है। एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो थोड़ी लो हो चुकी थी, इसलिए मैं ये आपको नहीं दिखा पाई। लेकिन देखिए, मैंने यहाँ पर अचार का तेल और अचार इस्तेमाल किया है। अगर आपको अचार नहीं पसंद है तो आप आमचूर पाउडर या फिर लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम आटा लगा लेंगे। आटे में हम थोड़ा सा हल्का सा नमक देंगे, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक दिया ऐड किया है, इसलिए हम आटे में भी वैसे ही थोड़ा सा नमक यूज़ करेंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी दे के आटे को गूंद लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर आटे को गूंद लेना है। इसके बाद अगर आपको रेस्ट देना है आटे को, 15 मिनट के लिए आप दे सकते हो, या फिर अगर आपको तुरंत खाना है तो भी आप इसे बना सकते हो। यहाँ पर मैंने कटोरी बना ली है। देखिए, इसके अंदर हम फिलिंग्स भरेंगे। आपको ये फिलिंग्स बहुत प्रेशर दे के दबा के एकदम अच्छे से भरना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हल्के हाथ से दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा करके भर के। लेकिन आपको अच्छे से बहुत ज़्यादा फिलिंग्स भरना होगा, तभी पराठों का स्वाद आएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से फिलिंग्स जो है वो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से भर लिया है। मैं ये आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छी लुइया तैयार हुई है। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से फिलिंग्स भर के अब हमें क्या करना है, इसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, क्योंकि हमें याद रखना है कि फिलिंग्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा भरी हुई है। तो वैसे ही ये आटा पहले से ही पतला हो गया है, तो इसीलिए हमें जो है आटे को बिल्कुल हल्के हाथ से और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम साइज में हमें बेलना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके तेल दिया है और मैंने यहाँ पर पराठे को सेक लिया है। अगर आप पराठे को आटे के साथ या फिर मैदे के साथ बेलना चाहते हो तो भी कर सकते हो, या फिर आप तेल लगा के बेलना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ देखिए, पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है सिक के। अब मैं आपको इसके अंदर का फिलिंग्स भी दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियोस आपको मेरी मिल सके। देखिए, मैंने पराठे में बहुत अच्छे से फिलिंग्स भरी है, आप देख सकते हो। आज बस यही तक। धन्यवाद।